हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईश्वरीया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन, बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईशारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहाँ पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एसडीआर के प्रदर्शन, निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सिक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मोती मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुती कोर्निक द्वारा नदु केचिक द्वारा गांव में BSG स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोती को पुलिस के साथ बुलाया जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगिक व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लालदमुजी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुग दूरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है, उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह SI कीक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता परिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में समाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती है। मूर्तिक को पेरवर्ड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मुथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है और तिरुवेली के लिए काफी ज्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मुथी को यह भी पता करता है कि चेरू मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं और अनावरकन हो जाता है। वहीं पर
समीक्षा को उजागर करते हैं और काफी ज्यादा नाखुश दिखते हैं। और बताया जाता है कि यह मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी। और कुट्टी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुई रिग द्वारा कार्जिक के काम को करता है, और जब कार्जिक को कुट्टी द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कार्जी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरी द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई। और यह महसूस करते हुए मूथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूथिक द्वारा मूर्थिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मूर्थिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जिक को प्रभावित करता है, जो मूथी के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूथी के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह लक्ष्मुनि के गोदामी को भेजता है। और वह छमाही के बाद मूथी के कार्जिक के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कार्जिक के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहाँ पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़िक के भाई के अकादमी कार्जिक का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथू उन्हें रोक देता है और कार्जिक को बचा लेता है। कार्जिक मुथू और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कार्जिक कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठक में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। और यदि कार्जी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुटिक के भाई के कार्जी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कार्जी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कॉस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपहरण कर लिया गया, जहां पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंथ मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखे गए और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है। और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मूथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मूथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मूथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है, नाइक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सिक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली
फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवराजन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारी मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवराजन के मैनर में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवराजन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवराजन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे। और इस प्रकार मेनन को शिवराजन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में ए आर रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं। और इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवराजन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया। और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवराजन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था। और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवराजन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादू कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इशारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं, और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा, जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं, और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री, जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन, उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ दी। वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मेयर के जोड़े को दिया था। नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था, जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ, और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक से शादी की, जहां पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की, तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड़ द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज़ का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए, अर्थात अपना खुद का टीवी
ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं। जहां पर उसके श्रृंखला को थॉमस मेनन के साथ मुसी के रहमान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजिक केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता शीतलता के साथ श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नतर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंदे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पंबा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरला के रूप में देखते हैं। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इडवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइड द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा शरद कुमार नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर
बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवर्यासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर AR संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहाँ पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें SDR के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सिक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मूर्ति मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में BSG स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोथी को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी मां के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगिक व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मूथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मूथी की जान के डर से लालदमुजी के मूथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरिस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुक दुरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है। उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह SI कीक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक वह मुंबई में सामाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती और मूर्तिक को पेरोड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है। तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूथी कोई अभी पता करता है कि चेरु मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी और कुट्टी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कारजी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए
गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे, और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई। और यह महसूस करते हुए मूथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटी के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूथिक द्वारा मूर्थिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करता है और मूर्थिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जी को प्रभावित करता है, जो मूथिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूथिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह लच मुनि के गोदामी को भेजता है। और वह छमाही के बाद मूथी के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहां पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली है मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़ित के भाई की अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथु उन्हें रोक देता है और कारजी को बचा लेता है। कारजी मुथुक और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कारजी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठ में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। और यदि कारजी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहां पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कारजी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कारजी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कोस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया, जहां पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सर्वंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा देखी गई और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहां पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है, अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है। और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मूथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मूथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मूथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है, नायक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे। और इस प्रकार मेनन को शिवरासन के बीच का तीसरा
सहयोग होगा। फरवरी 2021 में शुरुआत में ए आर रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरियासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया और मेनन ने पटकथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरियासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवरियासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इसारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मफेयर के जोड़े को दिया था नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की, जहां पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजार द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज़ का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए अर्थात अपना खुद का TV ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते और समीक्षा को उजागर करते। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉम्स मेनन के साथ मुसी के रहमान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ
साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजी केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता शिथिलता के साथ श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नतर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है, जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पम्बा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरला के रूप में देखते हैं। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इडवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायिक के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पम्बा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ AR रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि AR रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित AR रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन, बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर AR संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को
सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें SDR के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मोती मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुति कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में BSG स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोती को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगी के व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथिक मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लालदमुजी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेश द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुग दुरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है, उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह SI किक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में समाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती है। मूर्तिक को पेरवर्ड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है और तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूथी को यह भी पता करता है कि चेरु मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी और कुटी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कार्जिक के काम को करता है और जब कार्जिक को कुटी द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कारजी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुदुरिक द्वारा अपने जान ले ली गई और यह महसूस करते हुए मूथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूथिक द्वारा मूर्थिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मूर्थिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जिक को प्रभावित करता है, जो मूथी के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूथी के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह
लचमुनि के गोदामी के हो भेजता है और वह छमाही के बाद मुथी के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है। जहाँ पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली है मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़िक के भाई के अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथू उन्हें रोक देता है और कारजी को बचा लेता है। कारजी मुथु और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कारजी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठक में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। और यदि कारजी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कारजी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कारजी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कॉस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपहरण कर लिया गया, जहाँ पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंथ मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखे गए और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफ़ी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मुथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मुथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मुथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है नाइक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में ए आर रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्माण तो सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर
डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया। और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित जयेंद्र द्वारा सूर्यासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था। और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखने की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें सूर्यासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नवनोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इसारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं, और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा, जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं, और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री, जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन, उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही, वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मेयर के जोड़े को दिया था। नम्मा चन्नीक द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था, जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ, और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक से शादी की, जहाँ पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड़ द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए, अर्थात अपना खुद का TV ऑपरेटर शो के बनने के लिए, उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 2006 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया, जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर, जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉमस मेनन के साथ मुसी के रहमान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजिक केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हाई सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता सिती लता के साथ
श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नटर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पंबा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरल के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इदवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहाँ पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे और काफी ज्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एसडीआर के प्रदर्शन निर्देशक, पाठकथा लेखक, सिनेमाग्राफक, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मोती मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदु केचिक द्वारा गांव में बीएसजी स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिससे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है, तो मालिक द्वारा
मोथी को पुलिस के साथ बुलाया जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगी के व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लालदमुजी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाय दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेश द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरू मारूक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुग दुरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है। उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है जहां पर वह SI कीक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता परिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में सामाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती है। मूर्तिक को पेरवर्ड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है लेकिन वे मारे जाते हैं और मुथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है। तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मुथी कोई अभी पता करता है कि चेरू मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी अरकुटे के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी और कुट्टी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कारजी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुदुरिक द्वारा अपने जान ले ली गई और यह महसूस करते हुए मुथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मुथिक द्वारा मुथिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मुथिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है जो कार्जी को प्रभावित करता है जो मुथिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मुथिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है जिससे वह लचमुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मुथिक के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है जहां पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़ित के भाई के अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं लेकिन मुथु उन्हें रोक देता है और कारजी
को बचा लेता है। कार्जी मुथुक और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कार्जी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठक में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। और यदि कार्जी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुटिक के भाई के कार्जी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कार्जी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कोस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है। जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपहरण कर लिया गया, जहां पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखी गई और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफ़ी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है। और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मुथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मुथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मुथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है नायक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में A.R. रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं और इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता है कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया और मेनन ने पाठकथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला
लुक को जारी किया गया था, जिसमें श्रीयासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इसारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कन्नाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं, और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा, जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं, और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री, जो 2 छोटे भाई राजू और मोहन, उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही, वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मेयर के जोड़े को दिया था और नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था, जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ, और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की, जहाँ पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की, तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड़ द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए, अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए, उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया, जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर, जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉम्स मेनन के साथ मुसी के रामान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजी केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी मता शिथिलता के साथ श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नटर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है, जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पम्बा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ, थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए
वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरल के रूप में देखे थे, वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इडवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानीवाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्देशित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिम्पल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे और काफी ज्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनीथ कांडू जो काफी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एसडीआर के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मूथी मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में बीएसजी स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है, तो मालिक द्वारा मूथी को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगी के व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मूथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मूथी की जान के डर से लालदमुजी के मूथी और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने
चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफी ज्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुक दूरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है। उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह एसआई कीक द्वारा स्वामित्व वाले पैरों ट्विस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक वह मुंबई में समाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती और मूर्तिक को पेरवर्ड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूर्तिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो अरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है और तिरुवेली के लिए काफी ज्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूर्तिक को यह भी पता करता है कि चेरु मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफी ज्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफी ज्यादा नाखुश दिखी और कुटी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कारजी के काम को करता है और जब कारजी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कारजी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई। और यह महसूस करते हुए मूर्तिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूर्तिक द्वारा मूर्तिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मूर्तिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जी को प्रभावित करता है, जो मूर्तिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूर्तिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह लच मुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मूर्तिक के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहां पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़िक के भाई के अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथू उन्हें रोक देता है और कारजी को बचा लेता है। कारजी मुथुक और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कारजी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठ में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। यदि कारजी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मूर्तिक के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहां पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कारजी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कारजी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कोस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़िक के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया, जहां पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा
काफी ज्यादा देखी गई और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहां पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है, वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मूथिक पाई के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मूथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मूथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है नाइक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरियासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरियासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरियासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरियासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इस परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरियासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में A.R. रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरियासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरियासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवरियासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नवनियर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इशारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ, जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका
दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन एमआर के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी दो कदमों के साथ रहते हैं और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री जो दो छोटे भाई राजू और मोहन उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ दी। वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने दो फिल्मेयर के जोड़े को दिया था। नम्मा चन्नीक द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था जिसका नाम राहुल था जो 2004 में पैदा हुआ और उनकी बेटी रेयार्ड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की जहाँ पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजार द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं जहां पर उसके श्रृंखला को थॉम्स मेनन के साथ मुसी के रामान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजिक केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हाई सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी मता शिथिलता के साथ श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नटर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पंबा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरला के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इदवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया जहाँ पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है जहाँ पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ
वेदुक थानीवाड़ु के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्देशित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिम्पल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक के साथ। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ श्रियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन, बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसरी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में श्रियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में श्रियासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एसडीआर के प्रदर्शन, निर्देशक, पटकथा, लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सिक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मोती मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में बीएसजी स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है, तो मालिक द्वारा मोती को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगिक व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लाल मुझी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाय दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुक दूरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है, उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह एसआई कीक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता परिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में समाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती है। मूर्तिक को पेरोड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई
को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुण चेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मुथुक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है। तिरुवेली के लिए काफी ज्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मुथी को यह भी पता करता है कि चेरू मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी अर्कुटे के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफी ज्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफी ज्यादा नाखुश दिखी और कुटी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कर्जी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई। और यह महसूस करते हुए मुथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटी के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मुथिक द्वारा मुर्थिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मुर्थुक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जी को प्रभावित करता है, जो मुथी के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मुथी के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह लच मुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मुथी के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहां पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली है मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़ित के भाई की अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथु उन्हें रोक देता है और कारजी को बचा लेता है। कारजी मुथुक और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कारजी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठक में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं और यदि कारजी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेस के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहां पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कारजी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कारजी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कॉस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया, जहां पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा देखे गए और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहां पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में
सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मूथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मूथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मूथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है नाइक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सिक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में ए आर रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं और इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता है कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया। और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवरासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इशारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मेयर के जोड़े को दिया था और नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में
क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की, जहां पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड़ द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉम्स मेनन के साथ मुसी के रामान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजी केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता शिथिलता के साथ श्रीवती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नतर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पम्बा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरल के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इदवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पम्बा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिम्पल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदुत
तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा, शरद कुमार, नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन, बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसरी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्दी इरावली है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरियासन और सिद्दी इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एसडीआर के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मूर्ति मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में बीएसजी स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिससे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोथी को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी मां के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगी के व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथिक मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लालदमुजी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुक दुरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है, उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह एसआई की द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में सामाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती और मूर्तिक को पेरोड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है, तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूथी को यह भी पता करता है कि चेरु मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ
मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफी ज्यादा नाखुश दिखी और कुट्टी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरी द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कार्जी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है क्योंकि वह उस समय अपने गृह नगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई और यह महसूस करते हुए मूथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूथिक द्वारा मूर्थिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मूर्थिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है जो कार्जिक को प्रभावित करता है जो मूथिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूथिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है जिससे वह लच मुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मूथिक के कार्जी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कार्जी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है जहाँ पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़िक के भाई के अकादमी कार्जी का घात लगाकर हमला करते हैं लेकिन मुथू उन्हें रोक देता है और कार्जी को बचा लेता है। कार्जी मुथु और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कार्जी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठ में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं और यदि कार्जी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कार्जी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कार्जी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कोस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है जिसके बाद कुड़िक के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया जहाँ पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंथ मुखिया द्वारा बताया जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा देखे गए और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है जहां पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मूथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मूथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है और अपने बेटे को खोने के बाद मूथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है नायक श्रीधर से होती है जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया जिसका नाम था ओ गुंदरा जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरियासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया लेकिन फिल्मों का निर्माण
शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरियासन के मैनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी जो शिवरियासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरियासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इस परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे। और इस प्रकार मेनन को शिवरियासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में A.R. रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। और इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरियासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया। और मेनन ने पटकथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरियासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था। और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवरियासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इशारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन M.R. के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं, और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं, और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन, उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही, वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे, उन्होंने 2 फिल्मफेयर के जोड़े को दिया था। नम्मा चन्नीक द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था, जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ, और उनकी बेटी रेयार्ड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की, जहाँ पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजार द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए, अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर कर देते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 2006 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए।
वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉमस मेनन के साथ मुसी के रामान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजी केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हाई सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामिज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता शीतलता के साथ श्रीमती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नटर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पंबा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरला के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इदवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहाँ पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा शरद कुमार नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसरी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है, वहीं पर बात करें अभिनेता में
शिवर्यासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर AR संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें SDR के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मूथी मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुती कोर्निक द्वारा नदु केचिक द्वारा गांव में BSG स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोथी को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी मां के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगिक व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मुथिक मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मुथी की जान के डर से लालदमुजी के मुथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाय दुरिक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरिक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुग दुरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है। उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह SI कीक द्वारा स्वामित्व वाले पेरोटोस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में समाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती है। मूर्तिक को पेरोड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुणचेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो अरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है। तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूथी कोई अभी पता करता है कि चेरू मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी अर्कुटे के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी और कुटी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कर्जी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुदुरिक द्वारा अपने जान ले ली गई और यह महसूस
करते हुए मुथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटी के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मुथिक द्वारा मुथिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मुथिक को अन्य लोगों से कुटी के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जी को प्रभावित करता है, जो मुथिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मुथिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह लच मुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मुथिक के कार्जी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कार्जी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहां पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़ित के भाई के अकादमी कार्जी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथु उन्हें रोक देता है और कार्जी को बचा लेता है। कार्जी मुथु और उसके अकादमियों आदमियों को कुटी के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कार्जी कुटी को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठक में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। यदि कार्जी के कुटी द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेस के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़ी के भाई के कार्जी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कार्जी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कॉस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़ी के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया, जहाँ पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा देखी गई और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जी के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मुथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मुथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मुथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है, नाइक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथाक द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे और जनवरी 2021 के शिवरासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में ए आर रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा
तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं। और इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंश सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरियासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया। और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित कुजेंद्र द्वारा शिवरियासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था। और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था, जिसमें शिवरियासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादू कांडुक मूवी, जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है, जिसे इसारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है, जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ, जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है, जो वह 6 फिल्मेयर पुरस्कार दक्षिणी में, 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं, और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा, जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं, और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री, जो 2 छोटे भाई राजू व मोहन, उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही, वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मेयर के जोड़े को दिया था, नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था, जिसका नाम राहुल था, जो 2004 में पैदा हुआ, और उनकी बेटी रियाड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक दे से शादी की, जहाँ पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी। और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की, तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड़ द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया, और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा, लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए, अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए, उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर कर देते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है, और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया, जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ, जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर, जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर उसके श्रृंखला को थॉम्स मेनन के साथ मुसी के रामान की अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ
साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजी केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ, जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की, जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया, जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल चिकित्सक के साथ उनकी माता शीतलता के साथ श्रीमती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नतर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतनाट्यम नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है, जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पम्बा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरल के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इडवानी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायी के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पम्बा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ ए आर रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि ए आर रहमान जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। बताया जाता है वेंदुत तनी थे कांडू जो काफ़ी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वेंदु तनी धायथुक कांडुक फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तमिल भाषा के न्यू नोयर गैंगस्टर फिल्म है। इसे ईसरिया गणेश के प्रोड्यूसर द्वारा किया गया, जिसमें फिल्मांकन के सहायक भूमिका को राधा शरद कुमार नीरज माधव और सिद्दीकी के साथ शिवरियासन और सिद्दीक इरादी द्वारा फिल्म को स्कोर साउंड ट्रैक कहा गया, जिसके लिए रचित ए आर रहमान द्वारा दिया गया और इसके निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन के साथ लिखित गौतम वासुदेव मेनन बी जयमोहन द्वारा लिखा गया। वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशक गौतम वासुदेव था, वहीं पर इसका लेखक भी गौतम वासुदेव ही था। वहीं पर कहानी की बात करें तो बी जयमोहन पर आधारित है। वहीं पर इसका उत्पादन ईसारी के गणेश के द्वारा है। वहीं पर अभिनेता के रूप में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी है। वहीं पर बात करें तो यह अभिनेता के रूप में है। वहीं पर बात करें अभिनेता में शिवरियासन और सिद्धि इरावनी को भी देखा गया है। वहीं पर छायाकान की बात करें तो सिद्धार्थ गुदीक और संपादक के रूप में एथोलिया है। वहीं पर ए आर संगीत को रहमान द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी प्रोड्यूसर कंपनी वेल फिल्म इंटरनेशनल रही। वहीं पर इसका वितरण रेड जॉइंट मूवीज के द्वारा हिंसा किया गया, जहां पर इसे रिलीज की तारीख को 15 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसे कार्यक्रम समय अवधि 178 मिनट का था। यह भारत के तमिल भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया। वहीं पर बात करें तो मूवी की लागत बजट करीब 30 करोड़ के आसपास आई। वहीं पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरुआत हुआ, जहां पर अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। फिल्म को 15 सितंबर 2022 को
सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इससे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें SDR के प्रदर्शन निर्देशक, पटकथा लेखक, सिनेमाग्राफर, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी जटिल आलोचना की गई। वहीं पर चरमोत्कर्षक फिल्म को आलोचक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सीक्वेंस को भी घोषित किया गया और यह विकास दी गई। वहीं पर मूर्ति मूवी मेकर्स के द्वारा तमिलनाडु के तुतिक कोर्निक द्वारा नदुकेचिक द्वारा गांव में BSG स्थानांतरण, जो अपने दिन धूप में काटते हैं, चुनते हैं और बिताते हैं, जब वह जिसे खेत में काम करता है तो उसमें आग लग जाती है तो मालिक द्वारा मोथी को पुलिस के साथ बुलाए जाते हैं और धमकी दिया जाता है। उसकी माँ के लाचमूली को उसके आक्रमण और आवेगी के व्यवहार के बारे में तब पता चलता है जब मूथी मालिक को दराती से मारते हैं और धमकी देता है। वहीं पर मूथी की जान के डर से लालदमुजी के मूथिक और उसकी छोटी बहन जो गोदीमता और उनके चाचा चेरुमाया दुरीक द्वारा पास नहीं होती और नौकरी दिलाने के लिए ले जाते हैं। वहीं पर चेरुन दुरीक के मुंबई में चेरुरेस द्वारा उसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया और बताया गया। वहीं पर फोन मीडिया के द्वारा OT2 चरमुख दृश्य के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा जाता है और इसके समीक्षा को उजागर कर दिया जाता है। वहीं पर नौकरी की व्यवस्था करते और फोन कॉल के अपडेट करने के बाद उन्होंने चेरुत मारुक द्वारा घबरा जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पोस्ट करने लगता है और पत्र देता है। वहीं पर अगली सुबह को चेरुक दूरिक द्वारा अपने कैमरे में मृत पाया गया है, उसने आत्महत्या कर ली थी और पत्र पोस्टर करने के बाद उसके बाद उन्होंने उल्लेखनीय पत्ते को मुंबई में चला जाता है, जहां पर वह SIT द्वारा स्वामित्व वाले पैरो ट्रस्ट द्वारा स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षता पारिवारिक के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सरवन नामक के एक अन्य कार्यकर्ताओं के मूर्तिक व मुंबई में सामाजिक के मदद करता है। मूर्तिक द्वारा एक बड़ी उम्र की महिला पाइक से भी पाई गई प्यार हो जाता है, जहां पर दुकान के सामने एक कपड़ा दुकान में काम करती और मूर्तिक को पेरोड द्वारा स्टोर के कर्मचारियों के साथ एक समूह को फिल्म को देखने लायक है, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक समान द्वारा आकाश की ओर से गोली चलाने के साथ हाथापाई को समाप्त हो जाती है। वहीं पर मसाला के साथ अरुण चेल द्वारा अन्य कार्यक्रम को एक व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वे मारे जाते हैं और मूथिक को सर्वंत से पता चलता है कि एजकिन के साथ सेथुर के साथ काम करता है, जो आरुकेल वेल द्वारा कारजी के नाम के लिए गैंगस्टर के नाम का करता है, तिरुवेली के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है। वहीं पर कारजी का मुख्य प्रतिद्वंदी कुश्ती कृष्णन नायर कुंडी के भाई नामक एक मलयाल गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कारजी के साथ लगातार मतभेद रखता है और मूथी को यह भी पता करता है कि चेरु मारिक द्वारा कारजी के लिए काम करता है। जब कारजी आर्किटेक्ट के भाई को देखते हैं अनावरकन हो जाता है। वहीं पर समीक्षा को उजागर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखते हैं और बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा कार्जिक द्वारा मुख्य प्रतिद्वंदी को काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखी और कुट्टी के नायक की भूमिका मलयाई गैंगस्टर है, जिसका गिरोह कार्जिक के साथ लगातार मतभेद रखता है। मूर्ति को यह भी पता चला कि चेरमुरिक द्वारा कर्जी के काम को करता है और जब कर्जी को कुटिक द्वारा भाई के बीच में अनबनी हो जाती है तो पुटिक द्वारा भाई में एक मंदिर में उन पर हमले की व्यवस्था की जाती है और कर्जी के साथ प्यार के साथ देखे जाते हैं और निकल जाते हैं। वहीं पर उनके चुरिक द्वारा उन्होंने अपने भाई के लिए गुप्तचर मान लिया जाता है, क्योंकि वह उस समय अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असमर्थ थे और चेरुद्रिक द्वारा अपने जान ले ली गई और यह महसूस करते हुए मूथिक और श्रीधर द्वारा एक आदमी जिसे कुटिक के भाई सेक्शन के स्वेल द्वारा रूप में इस्तेमाल करते हैं जो मुंबई में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि श्रीधर द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे मूथिक द्वारा मूथिक के भाई के गुंडों को मारने के लिए सबूत हो जाता है, जो रातों पेरोड स्टोर पर हमला करते हैं और मूर्तिक को अन्य लोगों से कुटिक के भाई के लिए हत्या करके जवाबी हमला किया जाता है, जो कार्जी को प्रभावित करता है, जो मूथिक के अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और मूथिक के पैसा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वह
लच मुनि के गोदामी को भेजता है और वह छमाही के बाद मुथी के कारजी के साथ उसके अंगरक्षक के रूप में काम करता है। कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने एक नाम बना जाता है, जहाँ पर एक अभिनेत्री के साथ होने वाली मुकदमा के साथ मुलाकात के दौरान कुड़िक के भाई के अकादमी कारजी का घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन मुथू उन्हें रोक देता है और कारजी को बचा लेता है। कारजी मुथू और उसके अकादमियों आदमियों को कुटिक के भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वहीं पर कारजी कुटिक को भाई और आरूफ द्वारा भाई के बीच एक बैठ में कोई भी व्यक्ति मुंबई के साथ नियंत्रित करने वाले नियुक्ति को स्थापित करता है, जहां पर रफल को भाई के द्वारा करते हैं। यदि कारजी के कुटिक द्वारा भाई में कोई भी एक मर जाता तो दूसरी भी मर जाएगी। इस बीच पाइक द्वारा फिर से मुथुक से मिलती है और उसके पेश के बारे में जानने के बावजूद मुथी के विवाह को प्रस्तावित पर हमला और सहमत हो जाते हैं, जहाँ पर जल्दी शादी कर लेता है। वहीं पर कुड़िक के भाई के कारजी पर क्रोधित हो जाते हैं और इसीलिए वह कारजी को मारने के लिए राघवर्थ द्वारा नाम के कॉस्ट्रेट के किलर को द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कुड़िक के भाई के लिए राघवर्थ द्वारा काफी ज्यादा अपहरण कर लिया गया, जहाँ पर पाइप के नशेले के दवा को देते हैं और सरवंत मुखिया द्वारा बताए जाते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा देखी गई और उसकी समीक्षा को बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफी कुछ दिखाया जाता है। वहीं पर बताया जाता है कि इसे काफी बेहतरीन है, वहीं पर देखा गया और इसकी समीक्षा लॉन्च कर दी गई। वहीं पर देखते ही चौंक जाता है और अपने लाल के लिए ऊपरी उपयोग रावत को गोली मार दी जाती है, जिसे बंदूक के साथ रंगे हाथों पुलिस द्वारा रंग लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई होता है, जिसके बाद गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण कर किया जाता है और उसका परिवार सोचता है कि मूर्ति को कार्जिक के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पर उसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफी ज्यादा साक्षरता के रूप में बताया गया और उसे मूवी मेकर्स के द्वारा उसे लॉन्च कर दी गई। वहीं पर बताया जाता है कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल के बाद लखनऊ के अत्यधिक सम्मानित द्वारा आपराधिक थिएटर में सम्मान करते हैं और सरगना द्वारा लिखा जाता है, जो अपने और से उनका बेटा की ओर से जोरदार क्राइम बॉक्स के साथ रूप में अपने दैनिक जीवन के छोड़कर मुथिक पाइक के और उनके बेटे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। हालांकि मुथिक द्वारा किए गए हमले के साथ देखे जाते हैं और इलाहाबाद के गैंगस्टरों के साथ एक बैठक में व्यवस्था करता है और उन्हें मारने में सफल होता है। और अपने बेटे को खोने के बाद मुथिक की मुलाकात एक विवाहिक द्वारा किया जाता है, नायक श्रीधर से होती है, जहाँ पर सीक्वेंस को श्रीधर द्वारा देखे गए और उसे कुटिक द्वारा दिया गया। वहीं पर इसे फरवरी 2018 में गौतम वासुदेव मेनन के साथ थिरवंट द्वारा वरुण वेन की अगली कड़ी की घोषणा किया गया, जिसका नाम था ओ गुंदरा, जो कार्तिक द्वारा कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त पर केंद्रित होगी, जो पहली फिल्म के घटनाओं के 10 साल बाद एक शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा कर रहे थे और इसमें शिवरियासन ने मूल फिल्मों की भूमिका को दोहराई थी और दक्षिण भारतीय फिल्म शिवराम विराम द्वारा मुख्य नामों के बाहर द्वारा दिया गया, लेकिन फिल्मों का निर्माण शुरुआत नहीं हुआ। बाद में शिवरियासन के मेनन में लघु के फिल्म के कार्तिक डायल देथा द्वारा यन पर काम किया और फिल्म के पात्रों पर आधारित थी, जिसे भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शूट किया गया था। वहीं पर इसकी रिलीज के तुरंत बाद अलकेल में उठी, जो शिवरियासन और मेनन विथंडा द्वारा वरुण वया की अगली कड़ी और या मेनन द्वारा लिखी गई थी, जो नई स्क्रिप्टों के सहयोग करेंगे। और जनवरी 2021 के शिवरियासन ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे मेनन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें वेल्स के फिल्म इंटरनेशनल के इशारी के गणेश द्वारा इसे परियोजना को वित्तीय पोषण करेंगे और इस प्रकार मेनन को शिवरियासन के बीच का तीसरा सहयोग होगा। फरवरी द्वारा 2021 में शुरुआत में A.R. रहमान को संगीत के रूप में घोषित किया गया और संगीतकार के थर्माइक द्वारा तकनीकी सील में डामिक को किया गया, जो मेनन के द्वारा काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इसे जन्मदिन को 25 फरवरी 2021 को निर्माताओं के लिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई, जो नीना कथित द्वारा रूप से अपने साइकल्स द्वारा गीतों के साथ रेंडा असराई गर्ल की पंक्ति थी। वहीं पर बताया जाता कि इसे निर्वंत सूर्या के निर्माण के दौरान शिवरियासन के मेनन द्वारा एक अच्छी देहाती टोन वाली स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जोर डालता है, जिससे कहानी के साथ साथ फिल्म की शैली में दबाव आया
और मेनन ने पाठ कथा लिखी और जयमोहन द्वारा उपन्यास, अग्नित जयेंद्र द्वारा सूर्यासन की भारती द्वारा लिखित व एक कविता से प्रेरित की मूला के द्वारा कथनांक को लाया था और बजाय इसके उन्होंने नई स्क्रिप्ट को लिखी की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 2021 को मेनन द्वारा फिल्म को शीर्षक वेंदु के थानविंद द्वारा कादू की घोषणा की गई, जिसका नाम भी भारती द्वारा लिखी गई उसी कविता को उन पंक्तियों के लिए लिखा गया। उसी दिन ने पहला लुक को जारी किया गया था जिसमें सूर्यासन के देहाती अवतार को दिखाया गया था और कथित तौर पर उनके समीक्षा को उजागर भी कर दिया गया। वहीं पर बताया जाता है कि गणेश ने अपनी भूमिका को एक ऐसे किरदार के साथ देखे। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी बहुत बेहतरीन थी जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसे लॉन्च किया गया और इसकी समीक्षा को उजागर कर दी गई। वहीं पर बताया गया कि यह हिंदी के साथ इसे लॉन्च कर दी गई और यह बहुत बेहतरीन मूवी थी। वहीं पर बताया जाता है कि वेंदु तनिक थादु कांडुक मूवी जो गौतम वासुदेव द्वारा लिखित व निर्देशित जय मोहन द्वारा भारतीय तमिल भाषा के प्रोड्यूसर नव नोयर गैंगस्टर फिल्म है जिसे इसारी गणेश द्वारा लिखा गया और इसमें सहायक भूमिका राधिका शरत कुमार है जो एक अभिनेत्री और उद्यमित निर्माता राजनीतिज्ञ जो प्रमुख तमिल और तेलुगु सिनेमा में टीवी धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ मलयालम, हिंदी और कनाडा फिल्मों में काम करती है। वह रमदान के मीडिया वर्कर्स द्वारा इंडियन लिमिटेड संस्थापक और अध्यक्ष है जो वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिणी में 2 नंदनी पुरस्कार और 3 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। वहीं पर बताया जाता है कि इनके जीवन में राधिका दिवंत द्वारा तमिल फिल्म के अभिनय और कॉमेडियन MR के राधिका की बेटी जो तमिलनाडु से होते हैं और गीता श्रीलंका के राधिका द्वारा अपनी शिक्षा के भारत द्वारा श्रीलंका के यूनाइटेड किंगडम द्वारा उनकी एक छोटी बहन निरोसा जो अभिनेत्रियों के साथ छोटी छोटी 2 कदमों के साथ रहते हैं और इसके श्रेय द्वारा एक बहन निरोसा जो अभिनेत्री जो 2 छोटे भाई राजू और मोहन उनका एक बड़ा सौतेला भाई राधा रवि है। वहीं पर राधिका ने 4 फरवरी 2001 को अभिनेता के साथ शरद कुमार के साथ ही वे अपनी शादी में पहले दोस्त थे। उन्होंने 2 फिल्मफेयर के जोड़े को दिया था। नम्मा चन्नी द्वारा सूर्यवंशम के दंपति के एक छोटे बेटा था जिसका नाम राहुल था जो 2004 में पैदा हुआ और उनकी बेटी रेयार्ड हार्डी द्वारा 2016 में क्रिकेट अभिनय द्वारा मिथुक से शादी की, जहां पर राधिका द्वारा 2018 में शादी बनी और जब रेयान के बेटे ने उन्होंने अपनी सिनेमाई करियर की शुरुआत की तो 1978 में तमिल फिल्म के साथ किजाड द्वारा पोगाल रेलवे के बाद उन्होंने कई तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा में सफल होने के बाद राधिका कुछ अलग अलग करना चाहती थी और उसने छोटे पर्दे पर काम करने का फैसला किया और अलग उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। यह एक गलती थी जिसका उससे पछतावा होगा लेकिन जिस चीज का उनका विश्वास था उसके आगे बढ़ने के लिए अर्थात अपना खुद का टीवी ऑपरेटर शो के बनने के लिए उन्होंने 1900 के साथ अपना सक्षम किया। वहीं पर 1994 में डायन मीडियान के तहत इसकी कुछ शुरुआती बाधाओं को पार कर देते हैं और समीक्षा को उजागर करते हैं। वहीं पर सूचीबद्ध मीडिया लिमिटेड के रूप में सफलतापूर्वक उभरती है और बताया गया कि इसे मूवी मेकर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं पर इसे ज्वाइन के साथ 26 में शिक्षा विधानसभा के चुनाव के पहले पिता शरद कुमार के साथ देखे गए। वहीं पर भूमिका के साथ उसे देखा गया। वहीं पर बताया जाता है इसमें नीरज माधव को भी देखा गया जो बेहतरीन अभिनेता है। इनका जन्म 26 मार्च 1990 को हुआ जिन्हें मंच नाम से एजेंट के नाम से भी जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता, रैपर और डांसर जो प्रमुख रूप से मलयालम उद्योगों फिल्मों में कार्य करते हैं और अपने नीरज के लिए जाने जाते हैं जहां पर उसके श्रृंखला को थॉमस मेनन के साथ मुसी के रामान के अपनी भूमिका के लिए सबसे लोकप्रिय रही। वहीं पर उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज के साथ साक्षरता को देखा और 2016 में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। वहीं पर 26 मार्च 2000 के साथ अपनी कोजिग केरल में एक मलयालम ब्राह्मणी परिवार में जन्म हुआ जो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेड जोसेफ बॉयल हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल से की जहां पर एंड लॉकलेज द्वारा कामेज के साथ विजुट द्वारा विजिट की और आर्ट ऑफ त्रिशूल में आर्टिक थिएटरों के साथ ग्रेजुएशन किया जो उनके पिता के माध्यम से एक वसूल
चिकित्सक के साथ उनकी माता शिथिलता के साथ श्रीमती के साथ देखे गए और उसकी समीक्षा उजागर कर दिया। वहीं पर अमृत टीवी के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम सुपर डांसर के पहले संस्करण के साथ युवा प्रतिभा के एक नतर के रूप में शुरुआत किया और अंतिम दौर में जगह बनाई, जहां पर नीरज ने एक प्रशिक्षित भारतंडे नाटक के द्वारा देखे गए। वहीं पर व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो यह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। वहीं पर बताया जाता है कि इसमें सिद्धि इदावनी है जो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि सिद्धि इदावनी का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री व तमिल और तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ जम्बा लगी द्वारा पंबा के अभिनय की और शुरुआत के साथ उन्होंने वेथुंद के साथ थानी के द्वारा काडू के साथ देखे गए और उन्होंने 2022 में उनकी भूमिका के लिए वाई के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रासंगिक किया गया। मैं उन्हें के केरला के रूप में देखे थे। वहीं पर उनकी उम्र वर्तमान में 27 साल है। वहीं पर सिद्धि के द्वारा इडावनी के साथ अपनी सिद्धि इडावनी में अपने करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर थिएटरों के कलाकार के रूप में की थी, जिसे गुजराती व्यवसायिक के नाटक के जाते और परिवार के चेक द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ही सिद्धि मिस दीवान के अहमदाबाद फाइनेंशियल बन जाती और इरावती ने अपने फिल्मी करियर के साथ शुरुआत किया, जहां पर गुजराती ने फिल्म बेडरोज द्वारा देखे जाते हैं और इसके समीक्षा के मित्री मूवी मेकर्स इंडियन सुपर टैलेंट को जीतता है। 2018 में पेरिस द्वारा मिस सुपर टैलेंटेड भारतीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां पर उन्होंने 2018 में जम्बा तलाक वैदिक द्वारा पंबा के साथ टॉलीवुड में शुरुआत किया और उनकी दूसरी रिलीज नालंदी के साथ श्वेता के साथ सुमिता की अश्विनी के साथ प्रेम राधा के चरित्र को रिलीज कर दिया। वहीं पर वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्दर्शित और शिवरियासन अभिनेता के साथ देखे गए, जो उनके साथ तमिल फिल्म को के साथ वेदुक थानी वाड़ू के कानून में अपनी अभिनय भूमिका निभाई और जानी जाती है। उनके आने वाली फिल्म को समीक्षा द्वारा प्रासंगिक व निर्दर्शित शशि के साथ नूरी कोइर द्वारा किया गया और इसके समीक्षा ने अपने प्रासंगिक को डिंपल क्वींस के साथ महसूस किया। वहीं पर बताया जाता है कि यह बहुत बेहतरीन के साथ AR रहमान को भी ये साउंड ट्रैक को रचना दी गई। वहीं पर कहा जाता है कि AR रहमान जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे और काफी ज्यादा चर्चित थे, बताया जाता है वेंदुत तनीत कांडू जो काफी बेहतरीन मूवी है, इसे समीक्षा द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे नकारात्मक से